धर्म जी के बारे में कुछ बताइए आप। सर, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, धर्म जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास तो क्या डिक्शनरी में शायद कोई शब्द नहीं है। धर्म जी जितने खूबसूरत एक कलाकार है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो एक इंसान है। कलाकार बहुत आए और बहुत आएंगे, बहुत गए, किंतु धर्म जी एक ऐसे कलाकार है जिसकी ज़रूरत फिल्म इंडस्ट्री को हर वक्त रहेगी। जब से फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है और जब तक आगे चलती रहेगी, जो आया है उसे जाना है, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो जाने के बाद भी अपने आप में एक जगह बना के जाती है। धर्म जी की फिल्म मैंने देखी थी 1972, समाधि पिक्चर। उस पिक्चर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, ये मेरी अंदर की फीलिंग थी कि ही इज़ द राइट चॉइस। तो मैं बहुत छोटा था, मैं उस समय मेरे हिसाब से 8 साल का था, तब मैंने पिक्चर देखी थी। उस समय पिक्चर की टिकट की कॉस्ट थी कुछ 90 पैसे, जो हम लोग सामने बैठते थे। मैं अपने शायद बड़े भाई के साथ गया था, तो कुछ सीन उसमें ऐसे इमोशनल सीन थे जिसको देख के मेरा दिल बस बोल दिया कि यही आपके आइडियल हैं। तो उसके बाद मैंने उनकी पिक्चर लगभग देखनी शुरू की। पिक्चर देखने के लिए घरों में पैसे नहीं मिलते, तो कुछ कभी कभी कुछ घर की चीज़ें चुरा लिया करता था, कभी पर्स से चुरा लिया करता था, कभी घर से चुरा लिया करता था, कभी भाई के यहाँ से चुरा लेते थे, कभी किसी से मांग लेते थे, जाके पिक्चर देखता था। और मैंने अगर अपने माता पिता के बाद अगर किसी की पूजा की है तो वो धर्म जी की है। धर्म जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो कलाकार है, इंसान है और मेरे लिए भगवान भी है। वो उनका दर्जा देने के लिए मेरे में उतनी हैसियत है, मेरे को उतनी ताकत है कि मैं उनको एक दर्जा दूं। वो खुद इतने ऊंचे दर्जे पर बैठे हैं। मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म जी जैसा कलाकार हर सदियों में आते रहे। वो दुनिया के एक खूबसूरत इंसानों में द वर्ल्ड टॉप हैंडसम स्टार में उनकी गिनती होती है, होती थी, होती है और आगे होती भी रहेगी। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ, मैं अपने गुरु से मिल रहा हूँ। जो भी आदमी उनसे मिलने जाता है, इतना बड़ा उनका दिल है, 7 समुद्र से बड़ा उनका दिल है। दुनिया की सारे लोगों को वो अपने दिल में रख सकते, इतना बड़ा दिल है उनका। आज लाखों करोड़ों फैन है, मेरे से बड़े बड़े फैन हैं, जिन्होंने धर्म जी की याद में, उनके प्यार में बहुत कुछ अपना दिया है। धर्म जी को नहीं दिया है, उनके नाम को दिया है। धर्म जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वो दुनिया के सबसे बड़े फकीर हैं। फकीर का काम होता है देना, और उन्होंने बहुत दिया है। लोगों को बेशुमार प्यार दिया है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। आज भी जब फ़ोन में बातें होती हैं और लोगों से मिलते हैं तो इतने खूबसूरत अंदाज से मिलते हैं जैसे वो 100 साल से, 50 साल से उनको जानते हैं, सदियों से जानते आए हैं। धर्म जी की आज मैं इंडिया में धर्मेंद्र फैंस क्लब है जिसका मैं एक मेंबर हूँ, और बैंगलोर फैंस क्लब, और हिंदुस्तान में सब जगह बैंगलोर फैंस क्लब में हमारे कुछ मुस्लिम दोस्त लोग हैं। जब भी धर्म जी की पिक्चर आती है, बैंगलोर ही एक ऐसा सिटी है जहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह उनको डेकोरेशन करते हैं, चाहे वो सनी की पिक्चर आए, चाहे बॉबी की पिक्चर आए, पूरे हार और पूरे फूलों से उनको सजाया जाता है, बहुत खूबसूरत से मिठाइयाँ बांटी जाती है। अब क्या बोलूँ सर, उनकी जो इतनी पिक्चर है, उनकी सारी की सारी सुपरहिट पिक्चर है। मैं 2 गाना उनसे अपने मुँह से और गाना चाहूँगा। किसी ने कहा है मेरे साथियों, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सहो, बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, हजारों गाने हैं। ये तो मेरे मुंह से भी निकल गया, जबकि मैं उनके लगभग सारे गाने मैं पसंद करता हूँ। मैं अभी फिर उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे जब भी मिलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता मेरे ऊपर अपना हाथ रखे हुए और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
बस इतना ही बोलना चाहूँगा, मेरे लिए वही भगवान का दर्जा है। माता पिता के बाद अगर मैंने किसी को भगवान माना है वो धर्म जी है। धर्म जी जिंदाबाद।